आज माननीय श्यामा प्रसाद मुखर्जी भवन के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी के इस परिवार के अंदर हमारे गणमान्य बिजनेसमैन और पूर्व में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष और कांग्रेस के कदवार नेता श्री वाईवी शर्मा जी, उनके साथ मैं सामने देख रहा हूं कि चैम्बर के हमारे जो गणमान्य बिजनेसमैन है इस जम्मू शहर के, जिनका अपने अपने क्षेत्र के अंदर एक मुकाम है, एक कद है, मैं सबके नाम ना लेता हुआ मैं सबका आज भारतीय जनता पार्टी के अंदर हम सब मिलकर स्वागत करते हैं इस परिवार में शामिल होने के लिए। और आप सब ने जिस विश्वास के साथ नरेंद्र भाई मोदी जी, श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में, श्री रविंदर रैना जी जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे अध्यक्ष हैं जम्मू कश्मीर प्रदेश में, जिनकी रहनुमाई में भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के अंदर नए मुकाम हासिल किए। अगर आज आप देखें जम्मू कश्मीर के अंदर तो यहाँ पर कमेटी से लेकर डीडीसी के चेयरमैन तक और भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार डंके की चोट पर हर एक पार्टी से जो हमारे जम्मू कश्मीर का नेतृत्व करते थे जो लीडर हैं, आज विश्वास दिलाते हुए भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, इसका श्रेय अगर जाता है तो रविंदर रैना जी और सारी टीम को जाता है। मैं जोरदार तालियों से रविंदर रैना जी का यहाँ पे धन्यवाद करता हूँ। और इनके साथ भारतीय जनता पार्टी के हमारे पिछले दो टर्म से MLA और उसके बाद दो टर्म से हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री जुगल किशोर शर्मा जी आवाज इस कार्यक्रम में हमारे बीच में समय निकाल के आए हैं, इनका भी जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। और इस मौके पर दो शब्द जुगल जी, एक चंद्रमोहन गुप्ता जी हमारे बीच में बैठे हैं जो महापौर हैं, श्री श्याम शर्मा जी जो एक्स मिनिस्टर के नाते और भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष के नाते संगठन में काम कर रहे हैं, हमारे बीच में हमारे दोनों महामंत्री श्री विभोद जी और श्री मनयाल जी भी हमारे बीच में है, जिला के हमारे अध्यक्ष श्री विनय जी भी हमारे बीच में है। मैं इन सबका यहाँ पे धन्यवाद और स्वागत करता हूँ मंच के ऊपर। और मैं अब अपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री जुगल किशोर जी से बोलूंगा कि अपने दो शब्द हम सब के सामने रखें। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय। बोलो सर, आज इस खुशी के मौके पर हमारे भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान अरविंदर रैना जी, हमारे जम्मू के मेयर चंद्रमोहन गुप्ता जी, हमारे वाइस प्रेसिडेंट श्रीमान श्यामलाल शर्मा साहब और महामंत्री विभोद गुप्ता जी, महामंत्री देवेंद्र बनियाल साहब, जिला प्रधान विनय गुप्ता जी, जुटीत सेठी जी जो इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, और विशेष तौर पर आप सब जो इस कार्यक्रम में आए हुए हैं। साथियों, ये हम सब के लिए बड़ा खुशी का मौका है और विशेष तौर पर ये जो कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के मुख्य कार्यालय में हो रहा है और कार्यालय का मुख्य जो कारण है वो यही है कि आज हमारे मध्य में जम्मू कश्मीर एक कदवार कांग्रेस के नेता, पूर्व चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट, सोशल वर्कर और जिन्होंने समाज में विभिन्न गतिविधियों के कारण अपना एक विशेष स्थान बनाया हुआ है और जिनकी पहचान जम्मू कश्मीर के अलावा दिल्ली प्रदेश तक भी है, और विशेष तौर पर मैं बात कर रहा हूं अपने बड़े भाई वाईपी शर्मा साहब की, जो कि आज विधिवत रूप से भारतीय जनता पार्टी जो है वो जयंती है और अपने पूरे सहयोगियों के साथ मैं यहां देख रहा हूं कि बड़े बड़े महानुभाव जहां पर आए हुए हैं जिनका हम नाम ही सुनते थे, देखते थे और अच्छा लगता था। यो इस जम्मू कश्मीर की आन बान और शान भी है और हमें गर्व महसूस होता है कि हमारे मध्य में आज हमारे बहुत ही अच्छे स्वभाव के और जम्मू कश्मीर का नाम ऊंचे करने वाले ऐसे हमारे TR गुप्ता साहब जो है वो भी हमारे मध्य में, जिन्होंने देश भर में
एक नाम बनाया हुआ है अपना, यो इनका विषय है जो इनका पेशा है, डॉक्टर के नाते इन्होंने बहुत अच्छा एक स्थान बनाया हुआ और बड़े बड़े काम इन्होंने किए हैं, तो मुझे लग रहा था कि मैं इनका भी मान सम्मान करूं। मैं रविंद्र रैना जी का भी आभार प्रकट करना चाहता हूं। कारण ये है कि भाई पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए थोड़ा खुले मन से काम करना पड़ता है और सब लोगों को गले लगाना पड़ता है, और मैंने देखा कि रविंद्र रैना जी जो है वो इसमें बड़े माहिर है। यो बेचारा कोई अपनी विचारधारा के साथ जुड़ा होगा और सोचता होगा कि कभी मैं भारतीय जनता पार्टी में आऊं, अच्छा है ना। आज नरेंद्र भाई मोदी, अमित शाह जी, राजनाथ सिंह जी और पूरी टीम जो है वो देश के प्रति अच्छा काम कर रही है, और लोगों को लगता है कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसका नेतृत्व जो नरेंद्र भाई मोदी कर रहे हैं, और नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में देश में अच्छे काम हो रहे हैं, जम्मू कश्मीर भी हो रहे हैं, और हमें चाहिए कि हम भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करें जो कि देश हित में है। लेकिन कई बार कई लोग ऐसे हैं जो जीतते हैं या पार्टी आपस तक नहीं पहुंचते, लेकिन रविंद्र रैना जी का स्वभाव और ये जो इनका स्वभाव है ना, वो फिर रह नहीं पाते, वो फिर दौड़ते दौड़ते भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में पहुंचते हैं। तो आज मैं रविंद्र रैना जी और इनकी जितनी भी ऑफिस बेरर की टीम है बधाई भी देना चाहता हूँ, और ये कहना भी चाहता हूँ कि बहुत ही अच्छा कार्य इस समय भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर प्रदेश का हो रहा है। तो आज मैं वाईपी शर्मा साहब, उनके जितने भी साथी है, उनका भी आभार प्रकट करना चाहता हूँ जिन्होंने ये मन बनाया। कारण ये है कि अगर ऐसे ऐसे लोग देश हित में, जम्मू कश्मीर के हित में अगर ऐसा फैसला लेंगे, तो इनको देखकर बाकी लोग और भी जो है वो भी एक अच्छा फैसला लेंगे। तो मैं इस मौके पर इनका आभार प्रकट करना चाहता हूँ और अब सबका भी धन्यवाद करता हूँ कि आप इस कार्यक्रम में आए। मैं चाहूंगा जो पीठ सचिव जी से कहूंगा कि आगे की कार्रवाई जो है वो जारी रखे। मैं रविंद्र रैना जी से, जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो चालू नेता और अध्यक्ष हैं, उनसे निवेदन करता हूं कि जो पार्टी का हमारा जो पटका है वो पहना कर श्री वाई पी शर्मा जी आपका हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, आपका वेलकम करते हैं, हमें बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा सर। जुगल जी तालियां तालियों से स्वागत। पुराने साथी भी होंगे भारत माता की जय, भारत माता की जय, बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। आपको बहुत मुबारक, बोलिए भारत माता की बोलकर आदरणीय हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय सांसद श्रीमान जुगल किशोर शर्मा साहब, हमारे जम्मू के महापौर श्रीमान चंद्रमोहन गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के
दोनों जम्मू कश्मीर यूटी के महामंत्री श्रीमान विभोद गुप्ता साहब, डॉक्टर देवेंद्र कुमार मनियाल जी, उपाध्यक्ष हमारे श्यामलाल शर्मा साहब, दिलवीर सेठी जी और जिला अध्यक्ष विनय जी, यहाँ आए हुए तमाम भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंधु एवं श्रीमान वाई बी शर्मा साहब के साथ इस जम्मू के महानगर के और आसपास के क्षेत्रों से जितने भी हमारे महान भाव आए हैं, आप सबका मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज हम सबके लिए बेहद खुशी का दिन है कि आज हमारे जम्मू की एक शान, एक मायानाज पर्सनालिटी, एक इंटेलेक्चुअल और एक विजनरी व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के जम्मू के जो हमारे पूर्व में कई बार अध्यक्ष रहे श्रीमान वाई बी शर्मा साहब का भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करते हुए मेरा मन बेहद प्रसन्न है। हमें बेहद खुशी है कि आज समाज के हर वर्ग का व्यक्ति और जम्मू कश्मीर के हर कोने से हर व्यक्ति आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर देश और समाज की, जनता की सेवा और खिदमत करने का लक्ष्य ले रहा। साथियों, हम सब जानते हैं श्री वाई बी शर्मा साहब जैसे हमारे माननीय सांसद महोदय श्रीमान जुगल किशोर शर्मा साहब ने कहा, हमारे जम्मू के थिंक टैंक, ये इन्होंने चैंबर ऑफ कॉमर्स में काम किया, सोशल वर्क किया या राजनीतिक क्षेत्र के अंदर यहां कहीं अपना योगदान दिया, पूरी ईमानदारी के साथ और इंटीग्रिटी के साथ इन्होंने हमेशा काम किया। मुझे याद है जब यहां सेंट्रल यूनिवर्सिटी का आंदोलन चल रहा था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी को यहां मंजूरी दी गई थी जम्मू में, लेकिन उसको शिफ्ट किया गया और उसके बाद यहां एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी आंदोलन समिति बनी और इन दिनों श्री वाई बी शर्मा साहब जो थे वो चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के इलेक्टेड प्रेसिडेंट थे। और मुझे याद है उस दौर में भी जब हम कभी इनसे मिलने के लिए इनके ऑफिस या इनके घर मुलाकात करने के लिए जाते थे, इनकी हमेशा प्रायोरिटी रहती थी कि अपने लोगों की खिदमत करना और इनजस्टिस के खिलाफ ये डटकर आवाज बुलंद करते थे। और उस जमाने से मैं इनके पीछे पड़ा रहता था कि जनाब आप हमें जरा मौका दीजिए, सेवा का मौका दीजिए, खिदमत का मौका दीजिए। और मुझे आज बेहद प्रसन्नता है कि श्रीमान वाई बी शर्मा साहब आज विधिवत रूप में ये भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। इस मौके पर मैं श्री वाई बी शर्मा साहब, उनके साथ आए हुए जितने भी हमारे रिस्पेक्टेड यहाँ के मेंबर्स हैं, महानुभाव हैं, मैं आप सबका हृदय से तहे दिल से आपका स्वागत भी करता हूं और आपका धन्यवाद भी करता हूं। और मुझे उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि जिस इंटीग्रिटी के साथ, जिस मिशन डेडिकेशन कमिटमेंट के साथ आपने हमेशा कार्य किया है, उसी कमिटमेंट और डेडिकेशन के साथ आप भविष्य में काम करते करते भारतीय जनता पार्टी को यहां और अधिक मजबूती देंगे। आज पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर चारों दिशाओं में आज भारतीय जनता पार्टी की एक प्रचंड लहर है। जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर की जनता की भलाई के लिए काम किए, वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, वो गांव का है, शहर का है, वो महिला है, पुरुष है, बुजुर्ग है, नौजवान है, गांव का है या शहर का है, समाज के हर वर्ग की भलाई का काम हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने किया। और ये उसी का परिणाम है कि आज पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर बच्चा बच्चा भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर बीजेपी जिंदाबाद, मोदी सरकार जिंदाबाद के जयघोष कर रहा है। साथियों, और हम जम्मू कश्मीर की जनता का हृदय से धन्यवाद करते हैं जो प्यार, जो मान सम्मान जनता ने बीजेपी को दिया। और हमें विश्वास है आने वाले दिनों के अंदर जब जम्मू कश्मीर के अंदर यहां
डिलिमिटेशन के बाद यहां असेंबली के चुनाव होंगे। प्रचंड बहुमत के साथ जम्मू कश्मीर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और प्रचंड बहुमत के साथ विद एब्सोल्यूट मेजोरिटी जम्मू कश्मीर का अगला मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का। ये इतने जो बड़े महान भाव आज भारतीय जनता पार्टी में हर रोज शामिल हो रहे, इसको देखते हुए मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि आने वाला जो समय है वो जनता का है और जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। हम जनता के सेवादार हैं, खिदमतदार हैं और सेवादार बनके कार्य करेंगे। पिछले दिनों कुछ विषय जो बड़े गंभीर विषय थे जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार अब बुलंद आवाज उठा रही थी, हमने देखा यहां किसी ने शरारत करके कोई ऑर्डर निकाल दिया था कि जो महाजन परिवार है, खत्री परिवार है या सिख परिवार के लोग एग्रीकल्चर लैंड को लेकर एक बहुत ही विवादास्पद, एक कंट्रोवर्शियल कहीं से कोई ऑर्डर निकल गया, उसके खिलाफ हमने आवाज बुलंद की। हमारे मेंबर पार्लियामेंट साहब, हमारे मेयर चंद्रमोहन गुप्ता जी और मुझे कई बार यहां श्रीमान वाई बी शर्मा साहब भी आकर मिले और फिर हमने माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब के साथ चर्चा की और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के साथ हमने जब वो सारी चर्चा की तो पिछले दिनों अमित शाह साहब के जम्मू आगमन से एक दिन पूर्व वो ऑर्डर जो एक कंट्रोवर्शियल ऑर्डर था उसको निरस्त कर दिया गया, रिवोक करके सबको एक समान जस्टिस दिया गया। और उसके साथ साथ एक किसी ने और कोई कहीं यहां गांधीनगर अप्सरा रोड के आसपास के जो हमारे दुकानदार भाई, जो वहां के रहने वाले रेजिडेंशियल, जो वहां के हमारे बहन भाई हैं, वो परिवार हैं, अचानक एक कोई ऑर्डर कहीं से निकाल दिया गया और कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया गया। हमारे पास भी यहां गांधीनगर विधानसभा क्षेत्र के अप्सरा रोड के आसपास के कुछ साथी आए, हमने कहा हम यहां बैठे हुए हैं, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। और कुछ लोग वहां जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर शरारत करके वहां जाके कुछ मेजरमेंट कर रहे थे, उनको भी रातों रात वहां से भागना पड़ा। हम जम्मू कश्मीर की हर जनता को, हर शख्स को, बच्चे बच्चे को यह विश्वास दिलाते हैं हम आपके सेवादार हैं, हम आपके पहरेदार हैं, हम आपके खिदमतदार हैं। किसी सूरत में भी किसी भी व्यक्ति के साथ हम इनजस्टिस नहीं होने देंगे और अगर कहीं कोई इनजस्टिस होगा, हमारे नोटिस में अगर कोई भी व्यक्ति बात लाता है, उसका उनकी समस्याओं का समाधान करना हमारा दायित्व है। हम सब मिलकर एक टीम के रूप में, जैसे आदरणीय जुगल किशोर शर्मा साहब कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी ये देश की जनता की पार्टी है, ये सब एक परिवार के सदस्य हैं हम लोग और हम हमेशा मिलकर और बड़े मन से कार्य करते हैं, खुले मन से कार्य करते हैं और उसी का परिणाम है कि आज हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी एक टीम के रूप में हम कार्य कर रहे हैं और पूरे जम्मू कश्मीर से, चारों दिशाओं से बड़े बड़े मायानाज पॉलिटिकल पर्सनालिटीज आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं। मैं इस मौके पर एक बार फिर से श्रीमान यज्ञवीर शर्मा साहब, यज्ञवर शर्मा साहब, वाई वी शर्मा साहब, ये इनका पूरा नाम है, जिनके नाम के साथ ही यज्ञ जुड़ा हो तो वो स्वाभाविक है भारतीय जनता पार्टी में ही सुशोभिमान होते हैं। मैं हृदय से श्रीमान वाई वी शर्मा साहब जी का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने पर हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि हम सब मिलकर एक टीम और एक रस, एक रूप होकर अपने इस कार्य विस्तार को आगे बढ़ाएंगे। आपका भारतीय जनता पार्टी में बहुत बहुत स्वागत। अब मैं वाई बी शर्मा साहब, प्रेसिडेंट साहब के बाद जिस आवाज से, जिस ढंग से बात उठा है, मेरी आवाज थोड़ी से कम होगी। मैं आदरणीय रविंद्र राणा साहब, प्रेसिडेंट बीजेपी जम्मू कश्मीर यूपी, रिस्पेक्टेड जुगल किशोर शर्मा साहब, मेंबर पार्लियामेंट, हमारे मेयर साहब चंद्रमोहन गुप्ता जी, श्यामलाल शर्मा जी,
a very veteran politician and a great who has done a great contribution in the government of J&K state, Mr. Yudhvir Sethi sahab, a very prominent BJP leader, or Priya Sethi ji, our minister, former minister, she has done a great job. Our Vinay Sharma ji, Abhinay Gupta ji, sorry, our district president, Manyal sahab, Bharatiya Janata Party, Shri Vibhoot Gupta ji, our general secretary, Bharatiya Janata Party. I am extremely happy. मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है कि जिस तरीके से मेरी शमूलियत को स्वीकृति और सद्भावना के साथ हमारे प्रेसिडेंट साहब ने यहाँ आपके सामने जो बात को रखा, और जिस तरीके से आई वुड लाइक टू नेम मिस्टर टी आर गुप्ता साहब हु हैज़ बाइन ऑफ द ट्रेंडिंग कम्युनिटी हु इज अ वेरी रिस्पेक्टेबल पर्सन. जुगल शर्मा जी ने उनके मुतल्लक जो बातें बोली, मैं भी यही कहना चाहूँगा कि बड़े ही हमारे आदरणीय मेंबर ऑफ सोसाइटी और बड़े ही रिस्पेक्टेबल पर्सन, एंड ही हैज़ बीन ऑन द वेरियस यू सी एसोसिएशन, एंड ही हैज़ बीन प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया महाजन एसोसिएशन, और मैं उनका बड़ा आदर करता हूँ. वो आज यहाँ का समय निकाल कर आए. आई एम ग्रेटली ओब्लाइज एंड ग्रेटली इंडेबटेड टू हिम. उनके साथ साथ हमारे मेंबर्स ऑफ द बिजनेस कम्युनिटी, वेरी वेरी प्रोमिनेंट मेंबर्स ऑफ द बिजनेस कम्युनिटी, दे हैव कम. राणा साहब ने जिक्र किया है कि इतनी इस सभागार में जो सारे लोग इस वक्त एकत्रित हुए हैं, दे आर दी वेल्थ क्रिएटर्स ऑफ दी जेएनके स्टेट, दे आर दी एम्प्लॉयमेंट जनरेटर्स ऑफ द स्टेट. और जिस ढंग से इन्होंने ये विश्वास आपको दिलवाया है, वो दो तीन चीज़ों का जिक्र किया है कि जैसे महाजन खत्री उनके लिए ज़मीन के मुतल्लक का जिक्र किया है, फिर उसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू जो आजकल आज के दिनों में डिस्कस हो रहा है पूरे शहर में, कि गांधीनगर एरिया में वो 8-10 फुट की जगह गवर्नमेंट लेना चाहती है, उससे एक अजीब किस्म का हाहाकार और क्यास हमारी जनरल पब्लिक में फैला हुआ था. उसके मुतल्लक आपने यहाँ पे ये बात कहकर सबको विश्वास दिला दिया है कि ऐसी बात करने वाले को आप नहीं बख्शेंगे और इस ऑर्डर को कैंसिल करवाएंगे. इससे हमारे लोग आज आपका ये बात सुनकर, हमारे न्यूज़पेपर्स जो हैं, जब इस बात को कल पेपरों में आएगा कि राणा साहब ने ये एश्योर कर दिया कि इस तरह की कोई बात नहीं है, तो एक ज़बरदस्त खुशी की लहर हमारे शहर में जाएगी. इसके साथ साथ मैंने बीजेपी में कई चीज़ों से प्रभावित होकर, कई चीज़ों से प्रेरणा लेके आज एक बीजेपी में शामिल हो रहा हूं, और मैं विश्वास दिलाता हूं राणा साहब को, जुगल जी को, सबको यहां पे जो डाइस पे हैं, कि पार्टी की पॉलिसीज़ के अनुसार हम अपना कामकाज करेंगे. जो भी इनकी हिदायत होगी, जो भी इनकी पॉलिसीज़ होंगी, हम उनको इकट्ठे बैठ के उनको सोच समझ कर, क्योंकि एक बात ये माननी चाहिए मेरे दोस्तों कि जम्मू कश्मीर इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट एज वेल एज इट ऑक्यूपाइज ए स्पेशल स्टेट, इट ऑक्यूपाइज ए स्पेशल प्लेस अमंगस्ट ऑल द स्टेट्स ऑफ द कंट्री. हमारी पूरे देश की जो निगाह है, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारे होम मिनिस्टर साहब, वो जम्मू कश्मीर के मुतल्लक ज़रा चिंतित रहते हैं यहाँ पे, बिकॉज दिस स्टेट हैज़ अवर बैड नेबर इन द शेप ऑफ अवर एनिमी, इन द शेप ऑफ पाकिस्तान, एंड दे हैव डन लॉट ऑफ डैमेज टू जे एंड के स्टेट फॉर लास्ट 30 ईयर्स, एंड दे आर स्टिल दे आर प्लानिंग कॉन्स्पायरिंग एंड ऑल दोज थिंग्स. मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि वी आर अ वेरी सेंसिटिव प्लेस, और वी हैव टू टेक केयर ऑफ मैनी थिंग्स, और इन द डेज टू कम by sitting with them, we will accordingly chalk out whatever is to be done by the government, और जो government की हिदायत और policies होंगी, हम उसी चीज़ पर उसी आधार पर चलेंगे. But मैं यही request करूँगा कि हमारी business community के लोग जो हैं, since they are the wealth creators and the employment generators, इनकी हर बात का राणा साहब ध्यान रखना है, ताकि इनकी कारोबार अपना करने में इनको कोई दिक्कत परेशानी नहीं आनी चाहिए, और अपने कारोबार में कभी इनको कोई ऐसी परेशानी हो तो आपके दरवाजे हमेशा खुले होने चाहिए, ताकि इनके रहना सबके साथ आप डायरेक्टली अपनी बातचीत को कर सको, अपनी मुश्किलातों का जिक्र कर सको. तो मैं ये समझता हूँ कि देर आर 3 लेयर्स ऑफ सोसाइटी, लाइक बिजनेस कम्युनिटी, लाइक लेजिस्लेटर्स, लाइक गवर्नमेंट एंड द पार्टी लीडर्स.
जो पार्टी लीडर्स हैं वो एक माध्यम होते हैं, एक मीडियम होते हैं इन बिटवीन द जनरल पब्लिक एंड द गवर्नमेंट। और मैं ये समझता हूं कि आपकी कोई भी तकलीफ जो है दैट हैज टू बी शेयर्ड विद द लीडर्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी एंड द लीडर्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी विल टेक अप दैट इशू विद द गवर्नमेंट एंड इट दे विल गेट इट रिजॉल्व। मैं आज के दिन वाइल इस परिवार में शामिल होते हुए आपको विश्वास दिलवाना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में मेरे लायक व्यापारी कम्युनिटी से खासकर जम्मू की जनता से इन जनरल कोई भी जो इश्यूज होंगे हम लीडरशिप के साथ उठाएंगे, रखेंगे और उनको रिजॉल्व करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं ज़्यादा वक्त ना लेता हुआ मैं रैना साहब का, जुगल किशोर शर्मा जी का, श्यामलाल जी का, मेयर साहब का, विनय जी का, मनियाल साहब का, विबोध साहब का और आप तमाम लोग जो आप मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे हदेशी, मेरे वेल विशर्स जो यहाँ पे तशरीफ लाए, यहाँ पे मेरे ब्रदर ओंकारनाथ शर्मा जी खड़े हैं और इनका हमेशा इस तरीके से सहयोग रहा है और मेरे दोस्त हैं, मैं सबके नाम लेना चाहूँगा, नाम बहुत हो जाएंगे लेकिन दे आर ऑल वेरी वेरी प्रोमिनेंट पर्सन ऑफ दी यशपाल गुप्ता जी यहाँ पे तशरीफ रखते हैं, ये हमारे बड़े नज़दीकी दोस्त रहे हैं 30 सालों से और यहाँ पे इंडस्ट्री के बड़े नुमाइंदे हमारे फार्मर प्रेसिडेंट रीन साहब हैं, गणेश कोल जी हैं, भल्ला साहब कोल साहब बड़ी ब्राह्मणा से आए हैं, सुभाष लड़िया साहब आए हैं, ही इज़ अ ग्रेट बिजनेसमैन ऑफ जम्मू, मैम हमारे शर्मा साहब बैठे हुए हैं ग्रेट बिजनेसमैन ऑफ जम्मू, तो ये तमाम केसर साहब यहाँ खड़े हैं, ही हैज गॉन टू दिल्ली इनफैक्ट और इन्होंने मेरे को टेलीफोन किया कि मैं एयरपोर्ट से सीधा यहाँ पे आ रहा हूँ। मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूँ कि all these persons, members of the business community, they have to be taken care of. Yes. They are a very delicate community. Their problems have to be addressed. They should not work कि इनके मन में तसल्ली ना हो, इनको तसल्ली देना political लोगों का काम होता है और मुझे पक्की उम्मीद है कि आपके दरवाजे हमेशा इन सब के लिए खुले होंगे। इन्हीं अल्फाज के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जितने भी आए हुए हमारे अपने साथी सबसे निवेदन है की ऊपर सबको चाय की व्यवस्था है ऊपर और सब चाय लेके जाएंगे और जो का उपयोग करके वो दूसरे माले पे जाके वहाँ पे जाएंगे।